हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ केमिस्ट्री चैप्टर टू एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। और अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा किया, जैसे एसिड, एसिड बेस इंडिकेटर, कितने प्रकार के एसिड होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्या होता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। क्योंकि एग्जामिनेशन में चाहे हम टेस्ट की बात करें, चाहे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, चाहे प्री बोर्ड और चाहे बोर्ड, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि या तो सीधा पूछ लिए जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, या तो इन्हीं के ऊपर हॉर्स क्वेश्चन बन के आते हैं जो कि बच्चों को परेशान करते हैं। लेकिन एकदम कठिन नहीं है, मैं सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। यदि नहीं आता है आपको समझ में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखेगा। तो पहला आता है हमारा एसिड का, एकदम सिंपल सिंपल। देखो अगर चार पांच पॉइंट भी आप लिख के आते हो ना, बहुत ज्यादा अगर बल्कि टॉपिक्स नहीं लिखते हो, सिंपल सिंपल लिख देते हो, तब भी टीचर आपको नंबर देगा। तो फोकस आप लोग क्या करना है, अगर आपको याद करने में तकलीफ हो रहा है तो सब छोटे छोटे टॉपिक्स को याद करो। जैसे सबसे पहला आता है दे आर सावरिन टेस्ट, भाई सबको पता है एसिड का टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है, तो लिख दो आंख मूंद के प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में पहला दे आर सावरिन टेस्ट। दूसरा दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। मैंने ये भी जब एसिड बेस इंडिकेटर में लिटमस पेपर के बारे में जब मैं बता रहा था तो मैंने ये बताया था कि किस तरीके से ब्लू लिटमस पेपर को यदि हम एसिड में डिप करते हैं, डुबोते हैं और डुबोने के बाद निकालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर होगा वो चेंज होके क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तीसरा आता है एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सिंपल है, कैसे सिंपल है अभी मैं बताता हूं। देखो सिंपल सी बात है, यदि आप किसी भी एसिड को एग्जांपल लेते हो, चाहे HCl, चाहे H2SO4, चाहे H2CO3, कोई भी एसिड जब वाटर में डालोगे तो मैंने बताया था कि किसमें ये डिसोसिएशन होता है इनके अंदर। डिसोसिएशन का मतलब टूटना, एसोसिएशन का मतलब जुड़ना और डिसोसिएशन का मतलब टूटना। तो डिसोसिएशन जब आयन्स के अंदर होता है तो हमें उस एसिड के सॉल्यूशन में कटायन मिलता है और अनायन भी मिलता है। तो कटायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, अनायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ऑपोजिट चार्ज होने के कारण तो क्या होता है, चार्जेस फ्लो होते हैं और इसीलिए वो सॉल्यूशन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर हम डीप में जाए, इसकी गहराई को जाने, तो ये दो टॉपिक्स, दो पॉइंट्स बड़े जरूरी हैं कि ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ कटायंस एंड अनायंस द एसिडिक मीडियम ऑफ या फिर द एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मैंने अभी बताया कि इनके आयंस के अंदर डिसोसिएशन होता है, आयंस टूटते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, इसीलिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। क्योंकि हमें पता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, बताया था मैंने। नेक्स्ट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन, या एक चीज और, पॉजिटिव चार्जेस, भाई देखो कन्वेंशनल ये है कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं लेकिन रियलिटी इज दैट कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो प्लीज आप ये मत समझना कि भैया बोले पॉजिटिव चार्ज भी तो प्रोटॉन्स भी मूव करते हैं। नेक्स्ट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना टूट रहा है। हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब ज्यादा टूट रहा है आयंस, किसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। और लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है आयंस कम टूट रहे हैं। तो आप सिंपल सा ये इंट्यूशन आपने दिमाग में ग्रो करिए कि भाई जो जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा वो उतना ज्यादा H+ आयन देगा, और जितना ज्यादा H+ आयन देगा, भाई H+ आयन एक तरफ दे रहा है तो दूसरी तरफ तो नेगेटिव आयन्स भी तो देगा। तो दोनों अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब चार्जेस का संख्या बढ़ रहा है, और जब चार्जेस बढ़ेंगे तो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो अगर हम एग्जाम्पल लें H2CO3 की या फिर H2SO4 और HCl की, तो भाई देखो ये मैंने इसीलिए बताया कि H2CO3 इज अ वीक एसिड। व्हाई इट इज अ वीक एसिड, बिकॉज इन वाटरी एक्वस सॉल्यूशन इट गिव्स लो अमाउंट ऑफ H+ आयन। तो इसका मतलब है जो H2CO3 है, ध्यान से देखना, H2CO3 में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो लो होगी, क्या होगी, लो होगी, और इनमें वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगी। क्यों हाई होगी, क्योंकि ज्यादा आयंस दे रहे हैं वो लोग। इसके लिए एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट ये है कि आप क्या करिए, एक बीकर लीजिए, उसमें आप डाइल्यूट H2CO3 का सॉल्यूशन डालिए और एक तरफ ये ऐसे सर्किट बना दीजिए, हमारा बल्ब हो गया, ये हमारा स्विच हो गया और ये हमारा हो गया, हाँ ठीक है। तो देखो जब आप इसमें डिप करेंगे दोनों आयंस को
तो क्या होगा, चार्जेस फ्लो करेंगे। तो आप देखेंगे H2CO3 के केस में जो बल्ब होगा वो बड़ा धीरे धीरे ग्लो करेगा, लेकिन अगर हम इसका केस लेंगे, किसका, H2SO4 का, तो इसके सॉल्यूशन में यदि हम कोई डिप करते हैं वायर को और बल्ब को कनेक्ट करते हैं, तो इस केस में बहुत अच्छे से ग्लो करता है बल्ब। क्यों? क्योंकि हमने बताया ना कि कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, और जब ज्यादा कंडक्टिविटी होगा इसका मतलब बल्ब अच्छे से ग्लो करेगा। तो ये रहा हमारा तीन बहुत जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है एसिड के। अभी हमें सिर्फ तीन से ही काम नहीं चलाना है, और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो कि हम अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे। अगला जो पॉइंट आता है वो ये है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल तो होता क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। कैसे, देखो इसके लिए एक जनरल हमारा क्या कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल हमारा वो है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो आप ये याद करिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कई कई बार सिंपली एक नंबर के क्वेश्चन में सीधा पूछ लिया जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, तो ये अगर आपको याद रहेगा तो आप तुरंत बोल दोगे कि भैया बताए थे सॉल्ट बना था और उसके साथ साथ क्या निकला था, हाइड्रोजन गैस। अब ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझा दूंगा एक बार और उसके बाद दोबारा आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, देखो ये क्या है मेटल, ठीक है, हमने एक मेटल ले लिया सोडियम Na, उसको हमने रिएक्ट कराया किससे, एसिड से, तो एक एसिड ले लिया HCl, तो क्या यहां पे बना, सॉल्ट बना। तो यहां पे जो NaCl है ये क्या है, सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस निकला। अभी कैसे हुआ ये देखते हैं। तो बताओ जरा सोडियम इसमें किसका रूप धारण करेगा, पॉजिटिव आयन का, ऑफ कोर्स Na प्लस, और H हाइड्रोजन यहां पे किसका रूप धारण कर रहा है, किसका कैसा बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव आयन की तरह ऑफ कोर्स। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये एच प्लस और सीएल माइनस में ब्रेक करेगा। तो देखो यहाँ पे मतलब ये कैसा रिएक्ट कैसा बिहेव कर रहा है, मेटल के जैसा, कैसा बिहेव कर रहा है, मेटल के। अब ये क्या है, ये भी मेटल है। तो हमने याद है आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताया था, ऑफ कोर्स, तो एक बार रिएक्टिविटी सीरीज को रिकॉल करो और देखो कि ये हाइड्रोजन ऊपर है कि सोडियम ऊपर है। तो ऑफ कोर्स आप सही है, सोडियम ऊपर है, याद है आपको। तो भाई सिंपल सी बात है, जब रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम ऊपर है तो उसके कंपाउंड से जबरदस्ती हाइड्रोजन को हटा करके उसका स्थान ले लेगा, याद है आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला, ऑफ कोर्स। तो देखो यहाँ पे सोडियम रिएक्ट किया HCl से और इसको बेचारे को इसकी जगह से हटा दिया जबरदस्ती और उसका स्थान लेकर के NaCl बना है। ये जो नया कंपाउंड बना इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, सॉल्ट होगा, और उसके साथ साथ अब ये आवारा घूमेगा, ऑफ कोर्स आवारा घूम रहा है बेचारा, देखो H2 यहाँ पे बाहर निकल गया, उस बीकर से बाहर ऊपर की तरफ निकलेगा। अब प्रश्न आता है कि भैया हम जानेंगे कैसे, हाउ डू वी कम टू नो दैट हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्विंग, वी हैव वन क्लू, व्हेनेवर वी विल प्लेस अ मैच स्टिक, बर्निंग मैच स्टिक, इट विल एक्सटिंग्विश विद अ पॉप साउंड। हिंदी में बोले तो जब भी हम माचिस की तीली को जला करके बीकर के ऊपर ले जाएंगे तो वो माचिस की तीली बुझ जाएगी, और बुझने के साथ साथ कौन सा साउंड करेगी, पॉप साउंड। जैसा अभी अभी आपने देखा होगा कि अभी क्रैकर सभी बोला आवाज किया पॉप साउंड से, पड़ाका पॉप साउंड से आवाज करता है ना, तो वही चीज है। तो देखो यहाँ पे Na रिएक्ट किया HCl से, जो गैस निकला उसको हमने जाना, कैसे जाना, यहाँ पे मैच स्टिक प्लेस किया, और ये मैच स्टिक जैसे ही प्लेस करेंगे इट विल एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझ जाएगा, और वो कैसे बुझेगा, विद अ पॉप साउंड। अब ध्यान देने वाली बात है पॉप साउंड मचा कौन रहा है, भाई यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मचा रहा है पॉप साउंड। वो जब जलता है ना, हाइड्रोजन गैस जब जलता है तो वो बहुत ज्यादा जल उसका वो होता है, तुरंत अगर आपने थोड़ा सा भी उसको टेम्परेचर दिया तो वो जल जाएगा। तो वो कह सकते हैं कि बहुत जल्दी आग पकड़ता है, तो इसीलिए देखो यहाँ जैसे मैच स्टिक हमने प्लेस किया वो बुझ जाएगा। तो ये हमारा रहा क्लू, हाउ डू वी कम टू नो दैट हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्विंग। अगला जो टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट स्लाइड में हम चर्चा करेंगे।
अगला पॉइंट ये है कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो दोनों के लिए हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, तभी हमारा डाउट जो होगा वो क्लियर होगा। तो देखो, जब भी मेटल कार्बोनेट, चाहे हम मेटल कार्बोनेट की बात करें चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, देखो दोनों हमने लिखा है, तो दोनों ही एसिड के साथ रिएक्ट करने में जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो सेम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यही उनका प्रोडक्ट है, चाहे हम मेटल कार्बोनेट की बात करें चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आप बोलोगे मेटल कार्बोनेट क्या होता है, तो जब कार्बोनेट मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल कार्बोनेट होता है। कार्बोनेट किसको बोलते हैं? CO3 को। और मेटल कार्बोनेट किसको बोलते हैं, सॉरी हाइड्रोजन कार्बोनेट किसको बोलते हैं? HCO3 को। तो दोनों ही ये जब किसी उसके साथ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, देखो यहाँ सोडियम क्या है, मेटल है, तो ये जो बनाएंगे ये क्या बनाते हैं, मेटल है। जैसे इस केस में Na2CO3 बनेगा और इस केस में NaHCO3। तो आपने देखा कि ये कार्बोनेट था, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट था, जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो मेटल कार्बोनेट बना, और जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। कार्बोनेट क्या गया, एच लग गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। तो देखो, जब मेटल कार्बोनेट ने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना है। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो Na2CO3 क्या है, मेटल कार्बोनेट है, क्यों, क्योंकि सोडियम क्या है, एक मेटल है, और जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल कार्बोनेट बनाता है। तो जब सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ, HCl एक एसिड है, के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो देखो क्या बन रहा है, NaCl। NaCl क्या है, सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट बना, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला और वाटर। तो देखा आपने क्या एकदम सिंपल सा था, कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तीन चीज, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन बना, चाहे हम मेटल कार्बोनेट की बात करें चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, दोनों केस में प्रोडक्ट सेम है। एग्जांपल देखो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का NaHCO3 हो गया, तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आपने देखा कि दोनों केस में प्रोडक्ट सेम था। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि चाहे इस केस की बात करें चाहे इस केस की बात करें, दोनों ही केस में हाउ डू वी कम टू नो दैट CO2 इज इवॉल्विंग, कुछ और भी तो निकल सकता है, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड ही निकल रहा है, कैसे ही पता करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक क्लू है, वो ये है, इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम मिटा दें, फिर बताएं कि कैसे पता करेंगे। अब देखिए, ये जो CO2 यहां से निकला कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम रिएक्ट करा देते हैं किससे, उसको रिएक्ट करा देते हैं CaOH ट्वाइस से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टेड लाइम या फिर लाइम वाटर। तो हमने देखा कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेक्टेड लाइम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, हमें व्हाइट पीपीटी मिल रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और वो हमने बताया था ना कि प्रेसिपिटेट बीकर में सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, तो उसका कलर जो है वो क्या है, व्हाइट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला और उसके साथ साथ क्या मिला हमें, CO2 मिला, सॉरी H2। तो ये रहा हमारा ग्लू। अब देखो ध्यान से, जिस वाटर में हमने जो लाइम वाटर में डाला है, लाइम वाटर में अगर हम इसको डालेंगे CO2 को, कैसे डालेंगे उसके लिए देखो हमारे पास एक डायग्राम है। देखिए किस प्रकार यहां ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं एक पाइप से, किसमें, सीधा लाइम वाटर में। और ये लाइम वाटर में डालने के बाद जो ये टेस्ट ट्यूब में है लाइम वाटर, ये लाइम वाटर कुछ देर बाद हम देखेंगे कि इसका जो कलर होगा वो मिल्की हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, मिल्की व्हाइट हो जाएगा। तो इससे हम पता लगा लेंगे कि जो हमें यहां पे प्रोडक्ट मिला है उसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट इज CO2। यही रहा हमारा कि किस प्रकार एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला पॉइंट अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे।
अगला जो टॉपिक आता है वो ये है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है, इसीलिए मैंने यहां पे 3 स्टार लगाया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा है। ये समझिए कि यहां से क्वेश्चन आना आइदर इन योर टेस्ट और योर एग्जाम में भी, प्री बोर्ड और बोर्ड हाफ ईयरली, सभी में क्वेश्चन आएगा। ये समझ लीजिए कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। और भाई अच्छी बात तो ये है कि बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और उसके साथ वाटर बनाता है। चलो एक उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई अगर बहुत मजबूत मजबूत आदमी एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो क्या होगा। जैसे अगर एक टाइगर एक लायन से लड़े तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट नो विल बी विनर, कोई भी नहीं जीतेगा। कोई भी नहीं जीतेगा मतलब दोनों बहुत ज्यादा बलशाली है और दोनों को अंतिम में रण को छोड़ना पड़ेगा, दे विल हैव टू लीव द फील्ड। तो यही चीज यहां पे, एसिड और बेस दोनों अपने आप में महारथी हैं और दोनों जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से तो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो सॉल्ट निकल जाता है, न एसिड न बेस। हाँ वो बात अलग होती है कि सॉल्ट कभी कभी हाईली एसिडिक होता है, कभी बेसिक सॉल्ट बन जाता है, कभी न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि 3 प्रकार के सॉल्ट है। लेकिन अभी के लिए ये समझते हैं कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। चूंकि इस रिएक्शन में दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर दे रहे हैं इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं नलीफाइंग रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। भाई न्यूट्रल मतलब आप गाड़ी चलाते हो ना, तो गाड़ी न्यूट्रल में कब होती है, वेन नो गियर इज अप्लाइड ऑन इट, गियर में नहीं है तो न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या है भाई, न्यूट्रल का सिंपल सा सेंस ये होता है शांत। यही चीज यहां हो रहा है, एसिड एक महारथी, बेस दूसरा महारथी, दोनों महारथी मिलकर के जो प्रोडक्ट बना रहे वो सॉल्ट है। सॉल्ट बेचारा न महारथी है न बड़ा कमजोर है, एकदम एवरेज टाइप का है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और हेयर ये मैंने बता दिया, द एसिड एंड बेस नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट, दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, न ही एसिड रह जाता है न ही बेस रह जाता है, जो नया प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्ट निकल के आता है। तो इसीलिए एकता में भलाई है, झगड़ा नहीं करना चाहिए, या इससे एक सीख मिल सकता है हमें। बाय द वे ये हमारा रहा 6th पॉइंट। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बाकी जो भी बचा है 2-3 और मेरे हिसाब से बचे होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज द लेंथ ऑफ द वीडियो इज एक्सीडिंग मच। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।